बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इमरान सर फ्रॉम एफईएच क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। दिस इज लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट टॉपिक। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो इंडिया में फेडरलिज्म जो कामयाब हुआ है उसके पीछे कौन सा राज है। अगर हम देखें बहुत सारे तरीकों से फेडरलिज्म जो है इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है और कामयाब भी है। सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स, अगर हम बात करें 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस वक्त बहुत कम स्टेट्स थी इंडिया में, उनका एरिया डिफरेंट था, उनमें अलग अलग हम कह सकते हैं कल्चर्स, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग एक ही स्टेट में रहा करते थे। तो अगर हम देखें 1947 से 2020 तक बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज किया गया है, नई नई स्टेट्स बनाई गई है पुरानी स्टेट्स के बदले, नाम चेंज किए गए हैं। एक्चुअली में स्टार्ट कैसे हुआ, आंध्र प्रदेश एक स्टेट ऐसी है जो कि जहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग पीपल रहते हैं, उन्होंने डिमांड की थी कि हमें एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए जिसमें सिर्फ तेलुगु लोग रहेंगे। उसके बाद इस पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बीच में डिस्कशन हुए, डिबेट्स हुए कि बहुत सारों ने कहा कि अगर हम इनको अलग स्टेट लैंग्वेज के बेस पे बनाएंगे तो हो सकता है कल को ये इंडिपेंडेंस मांगे, अलग कंट्री मांगे। लेकिन बहुत सारे लीडर्स ने कहा कि नहीं, हम देखते हैं कि ये किस हद तक कामयाब रहती है। तो इन्होंने ऐसा किया, 1956 में आंध्र प्रदेश को एक अलग लिंग्विस्टिक स्टेट का दर्जा मिला। इसी तरह से जब ये सिस्टम कामयाब हुआ तो बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज वगैरह बनाई, हम कह सकते हैं चेंज की गई, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो थी वहाँ पे भी लैंग्वेज, एथनिक ग्रुप्स के रिलेटेड या कल्चर के हिसाब से अलग अलग स्टेट्स को डिवाइड किया गया, बनाया गया। तो इस वक्त हम देखते हैं इंडिया में 28 स्टेट्स है, और रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर से स्टेटहुड ख़त्म करके जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो इस तरह की चेंजेस आने वाले सालों में भी हो सकती है, लेकिन ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो तजुर्बा था ये कारगर साबित हुआ। लैंग्वेज पॉलिसी, अगर हम बात करें जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो उस वक्त फैसला ये किया गया था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की तो फिलहाल हिंदी एंड इंग्लिश रहेगी, लेकिन इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हर एक स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और साथ में इंडिया में सिर्फ 40% के आसपास ही लोग हिंदी बोलते हैं, तो बाकी स्टेट्स में रीजनल लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हम टोटल लैंग्वेजेस की बात करें तो 1300 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है इंडिया में, लेकिन उनको फिर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके ये देखा गया कि टोटल 22 है, हिंदी के बगैर 21 लैंग्वेजेस है जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहा गया। तो ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज में ही IAS IPS वगैरह के पेपर्स वगैरह पब्लिश होते हैं, और साथ में ये जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है इन लैंग्वेजेस को सबसे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये फैसला किया गया था कि 1962 तक हिंदी के साथ इंग्लिश भी एज ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, लेकिन उसके बाद 1962 में तमिलनाडु वगैरह में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए कि इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा बरकरार रखा जाए, तो उसके बाद उसको कंटिन्यूसली एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के साथ रखा गया। तो अगर हम बात करें इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया में दो है, एक तो है इंग्लिश, दूसरी है हिंदी, लेकिन स्टेट्स लेवल पे भी अलग अलग लैंग्वेजेस ऑफिशियल है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़। तो इसी तरह से हर एक स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज को इक्वल रेस्पेक्ट वगैरह दी जाती है इंडिया में। इसके अलावा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयर होते हैं, आपने देखा कि हमने जो टॉपिक पढ़ा था सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किन चीज़ों पे लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किन चीज़ों पर लॉ बना सकती है।
लेकिन इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हम अक्सर देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री पे रूल करती है और जो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं वहाँ पे भी अलग अलग पार्टीज रूल करती है। लेकिन पहले से ऐसा होता था कि ये चलता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करती थी और ये चाहती थी कि उन स्टेट्स में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे रूल कर रही है पॉलिटिकल पार्टी वही स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी करें। लेकिन 1990 से ये सारा ट्रेंड चेंज हो गया है। हमने देखा कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टीज है, 1999 में बीजेपी ने एक अलायंस बनाई रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और साथ में 2004 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी बहुत सारे रीजनल पार्टीज के साथ हाथ मिलाया, अलायंस बनाई, जिसका नाम रखा गया यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये जो अलायंसेस का दौर चल रहा है इससे बहुत सारे पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग होती है, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा भी मिलता है और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में रिलेशंस भी काफी अच्छे हो गए हैं इस चीज से। तो ये भी फेडरलिज्म के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, तो जैसे आपने पढ़ा था कि फेडरलिज्म में सेंट्रल अथॉरिटी से पावर्स लिए जाते हैं और अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड किए जाते हैं, तो अब तक हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे और थर्ड लेवल की या थर्ड टायर की जो गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट। तो जब पावर्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से लिए जाते हैं और वो दिए जाते हैं तीसरी टायर की गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम देखें डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए ये लोकल गवर्नमेंट जो बनी है 1992 तक ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाई गई और उसके बाद ये थर्ड टायर गवर्नमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया। उसके फीचर्स इस तरह से हैं। तो 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई थी उसके तहत ये ज़रूरी रखा गया कि हर 5 साल के बाद लोकल गवर्नमेंट्स के भी इलेक्शंस होंगे। तो लोकल गवर्नमेंट में रूरल एरियाज के लिए आती है पंचायती राज और अर्बन एरियाज के लिए आती है म्यूनसिपैलिटीज। तो अब रेगुलर इलेक्शंस होंगे जो पहले नहीं होते थे। दूसरा, सीट्स रिजर्व होंगे इलेक्टेड बॉडीज के लिए, चाहे पंच हो, सरपंच हो या काउंसिलर हो, तो सबके लिए रिजर्वेशन होगी अलग अलग ग्रुप्स में, मतलब हम कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। जो इन शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट्स और बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगी। वो बाज़ाब्ता तौर पे इन लोकल मतलब हम कैसे लोकल गवर्नमेंट्स में, एग्जीक्यूटिव बॉडीज में अच्छी तरह से पोजीशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा 1/3, इसका मतलब 33% रिजर्वेशन दी गई वुमेन्स को लोकल गवर्नमेंट में, जिसके तहत बहुत सारी वुमेन्स काउंसलर्स भी बनी, पंच भी बनी और सरपंचस भी बनी। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई जो लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस कंडक्ट करेगी। इंडिया में जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं और दूसरे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, उनको कंडक्ट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस के लिए एक नई इंस्टीट्यूशन बनाई गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया कि आपको कुछ जो रेवेन्यू वगैरह है या पावर्स जो है वो शेयर करने पड़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो भी अपना काम अच्छे से कर सके। क्योंकि अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट बनाने का फायदा क्या था या इसके पीछे राज क्या था, तो इसका मतलब मेन मकसद ये था कि जो लोग हैं, लोकल लोग जो होते हैं, उनको लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है, लोकल इशूज़ के बारे में पता होता है, तो वो उनको लोकल लेवल पे ही सेटल कर सकते हैं। इसीलिए पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लोकल गवर्नमेंट में रूरल एरियाज के लिए जो पंचायती राज है इसमें भी 3 टायर्स हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होती है या ग्रुप ऑफ विलेजेस जिनका साइज छोटा हो, तो वहां पे इलेक्शंस होते हैं, वहां पे पंचस को चुना जाता है और इसके अलावा वहां पे प्रेसिडेंट या सरपंच को चुना जाता है। चुनता कौन है इनको? जो भी एडल्ट पॉपुलेशन होती है उस गांव की या उन ग्रुप ऑफ विलेजेस की,
एडल्ट पॉपुलेशन का मतलब 18 साल के ऊपर, तो वो वोट डालते हैं। उसके बाद ये साल में 2 या 3 मरतबा मीटिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के हम कह सकते हैं मेंबर्स सारे वोटर्स होते हैं उस गांव के या उस इलाके के, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें एनुअल बजट वगैरह डिस्कस करते हैं। उसके बाद ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत मिलकर बनाते हैं पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल समिति। ये ब्लॉक लेवल की फिर पंचायती राज होती है, जिसमें तमाम जो ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत या ग्रुप ऑफ विलेजेस के जो पंचेस और सरपंचेस होते हैं, वो मिलकर पंचायत समिति में रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे मेंबर्स को चुनते हैं। उसके बाद ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स मिलकर बनाते हैं जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के लोकसभा के मेंबर्स या एमएलए जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे उसी डिस्ट्रिक्ट के, या फिर अदर ऑफिशियल्स फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स, तो वो भी जिला परिषद के मेंबर्स बन सकते हैं। तो लोकल लेवल पे भी जो भी काम करने हो वो पंचायती राज मिलजुल कर करते हैं। तो इसके लिए बजट वगैरह, पैसे वगैरह बाजार तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से भी। इसके अलावा जिस तरह से गांव के लिए होती है पंचायती राज, उसी तरह से अर्बन एरिया या शहरों के लिए होती है म्यूनसिपैलिटीज। लेकिन म्यूनसिपैलिटीज के भी 3 टायर्स है। अगर हम बड़ी सिटीज की बात करें, जैसे कि श्रीनगर है या जम्मू है, उनके लिए होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। उसके बाद अगर हम छोटे शहरों की बात करें, जैसे कि हमारे पास अनंतनाग है, बारामूला है, तो उनके लिए होती है म्यूनसिपल काउंसिल्स। उसके बाद जो टाउनस होते हैं, जैसे पाम्पोर है, चाड़ोरा है, उनके लिए होती है म्यूनसिपल कमेटीज। तो उनमें भी हम काउंसिलर्स को चुनते हैं, जो भी एडल्ट पॉपुलेशन होती है वो इन मेंबर्स को चुनती है। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको मेयर बोलते हैं। तो अलग अलग काम इनको भी असाइन दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजेशन का, या जो सफाई वगैरह होती है उसका काम होता है म्यूनसिपैलिटीज का, ड्रेनेज का काम, या फिर ग्रेव्स के लिए जमीन प्रोवाइड करना, पार्क्स के लिए जमीन प्रोवाइड करना, क्रीमेशन ग्राउंड्स। तो अलग अलग काम असाइन दिए गए हैं, तो जो ये लोकल लेवल पे सिटीज वगैरह में या टाउन्स वगैरह में करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर से पेश आएंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ या अमान अल्लाह।